तो हमारा नेक्स्ट है पुरुष के स्वरूप के बारे में बताते हैं, यानी दृष्टा कौन है। ठीक है, दृष्टा का स्वरूप बतलाते हैं। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, यानी दृष्टा जो आत्मा है, वो परम चेतना जो है, वो दृशी मात्र है, वो सिर्फ देख रहा है। दृशी मात्र मतलब केवल देखने वाला है। शुद्धो अपि, कैसा है वो? शुद्ध है, जिसका चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध है। वह दृष्टा प्रत्यानुपश्य, यानी वो अनुसरण कर रहा है किसको? बुद्धि के ज्ञान को। तो इसको सरल शब्दों में हम समझते हैं, दृष्टा चेतन मात्र तथा शुद्ध होने पर भी बुद्धि के ज्ञान का साक्षी होता है, यानी बुद्धि के ज्ञान को वो देखता है, तो वह है दृष्टा। ठीक है, बाकी सांख्य में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जो दृष्टा होता है वो सभी से भिन्न होता है, वो उससे कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता को बताते हैं, यानी जो प्रकृति है उसको और प्रूफ करने के लिए ये सूत्र ऐड किया है इन्होंने, जिसका मतलब है तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, यानी सॉरी जो प्रकृति है उसका स्वरूप क्यों है, उसकी सार्थकता क्यों है, उसकी मौजूदगी क्यों है, वो पुरुष के लिए है, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। इसलिए कहते हैं तदर्थ एवं दृश्यात्मा दृश्यस्यात्मा, जो पुरुष है उसके लिए दृश्य का स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आपका आता है 22, कृतार्थम प्रति नष्ट नष्ट मप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब ये कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो प्रकृति है वो कुछ विशेष प्रकार के पुरुषों के लिए अपने आप को नष्ट कर देती है, यानी कृतार्थम कृतार्थम प्रति, जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया है। ठीक है, जिसके प्रति वो कृतार्थ हो गई है, जिसके प्रति वो अब कोई भोग नहीं कर रही है, किसी चीज की उत्पत्ति नहीं कर रही, ऐसे पुरुष के प्रति नष्ट मप्य नष्टम अपने आप को नष्ट कर लेती है। तदन्य साधारणत्वात्, लेकिन अन्य जो पुरुष हैं उनके लिए वो कार्य करती ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे हम जब स्कूल में रहते हैं तो पूरा स्कूल का जो मैनेजमेंट है उस बैच के बच्चों के लिए वो कार्यरत रहते हैं, उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस पूरा करवाते हैं, उनके लिए सारी एक्टिविटीज करते हैं जो उनको पास करवा दे, अच्छे मार्क्स ले आए। ऐसे ही जो स्कूल का डिपार्टमेंट है वो प्रकृति हुई और जो स्टूडेंट्स हुए वो पुरुष हुए। तो जब वो बच्चा स्कूल पास कर लेता है तो उसके प्रति जो स्कूल डिपार्टमेंट है वो भी कार्य नहीं करता है। अब वो कार्य किसके लिए करेगा? जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्रकृति है हमारी, वो एक पुरुष के लिए अपने आप को तो रोक लेती है, लेकिन अन्य पुरुषों के लिए वो भोग और अपवर्ग करना नहीं रोकती है। तो ये इस सूत्र में बताते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है, स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है, यानी उस संयोग, हेतु का मतलब होता है कारण, उस संयोग का कारण क्या है, क्यों संयोग हुआ? तो बताते हैं स्वस्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है, यानी जो स्वशक्ति है दृश्य यानी प्रकृति, स्वामी शक्ति है यानी पुरुष, तो दृश्य और पुरुष के स्वरूप की जानकारी के लिए संयोग होता है। ठीक है, तो सूत्र संख्या 23 में बताते हैं कि हेतु मतलब कारण क्या है संयोग का, उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका, उस संयोग का कारण क्या है? उस संयोग का कारण अज्ञानता है, अविद्या है। तस्य हेतुर विद्या, हेतु कारण है, ठीक है, अविद्या अज्ञानता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र बोलते हैं वो, तद्भावात संयोगा भावो हानम तद्दृशे कैवल्यम। अब ये बात कर रहे हैं कि हम चतुर्विवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि आपका दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, फिर उसकी उसका निवारण करते हैं, फिर उसका उपाय करते हैं। ठीक है, ये चार हम चतुर्विवाद में पढ़ते हैं, तो उसमें बोलते हान, हान यानी निवृत्ति, ठीक है, उसका अभाव करना। तो तद भावात संयोगा भावो हानम तद्दृशे कैवल्यम, सूत्र संख्या नंबर 24 बताता है उसका
सॉरी 25 है ये। उस अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाना ही और उस पुरुष को कैवल्य प्राप्त कर लेना ही सॉरी यहाँ कुछ मिस कर, तदभावात संयोगा भावो हानम तदृश कैवल्यम, यानी तदभावात उस अविद्या के अभाव होने से उस संयोग का भी अभाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, पुरुष कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर सूत्र संख्या 25 में बताते हैं। अभी बता रहे हैं कि जो दुख है यानी हान, हानो बता दिया आगे हानम क्या है, अब हान का उपाय बताते हैं कैसे करेंगे, इसका उपाय कैसे होगा। तो विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, यानी जब विवेक की ख्याति होगी तब विप्लवा ऐसी स्थिरता होगी जिससे हान का उपाय हो जाएगा, ठीक है। यानी अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान के शून्य होने पर विवेक ख्याति होती है और वही हान का उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट है सूत्र संख्या नंबर 26 हो गया 27। अब जब अविद्या का नाश हो जाता है तो एक विशेष प्रकार की भूमि तैयार होती है, एक विशेष प्रकार की भूमि वाली प्रज्ञा बनती है। वो 7 प्रकार की भूमियों को हम आगे पढ़ेंगे अभी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, वो कौन कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कार्य विमुक्ति, यानी ऐसा आपको स्थिति मिलेगा कि जिसमें कार्य कुछ भी करने योग्य नहीं होता, यानी उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो वो क्या है, चार चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है गेय शून्यम, यानी ऐसी अवस्था उस व्यक्ति उस साधक को मिलता है जहाँ पे वो गेय को जान लेता है। सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा हुआ है गेय का मतलब पुरुष, उस पुरुष को जब वो जान लेता है तो और भी कुछ जानने शेष नहीं रहता उसके लिए, ठीक है। तो ये स्थिति कौन सी होगी, उसकी गेय शून्यम, ओके। अब दूसरा वो बताते हैं हेय शून्यम, यानी हेय क्या था, दुख, तो दुख का अभाव करना था उनको। तो दुख का अभाव उन्होंने कैसे किया, क्रिया योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विवेक, अगर आप सटीक वर्ड देखते हैं तो विवेक ख्याति से उस अविद्या का अभाव हो जाता है। तो उसको भी त्याग दिया, उस अवस्था को भी, अवस्था का भी अभाव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं प्राप्य प्राप्त अवस्था, यानी जो उनको प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। क्या प्राप्त करना था, समाधि की स्थिति, केवल की स्थिति प्राप्त करनी थी उनको, तो वो चीज भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि कई बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हुए सुने गए कि वो बोलते कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बना दिया, अपने लिए बहुत सेविंग कर लिया है, अब जो पेंशन आएगा उसी से मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब अविद्या का नाश हो जाता है तो वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां पे उसको कुछ भी अब प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। सॉरी, वो जो बुजुर्ग का आएगा वो सेकंड में आएगा, प्राप्य प्राप्त में ये वाला एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले में आएगा। मतलब अब कुछ भी प्राप्त, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं अपना JRF का, कि अभी हम लोग अपने JRF के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, सब लोग अपना स्टडी कर रहे हैं, वो काफी लंबे टाइम तक स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिविजन्स कर रहे हैं, और हम लोग भी इसी चीज के लिए बैठे हैं। तो जब जिसका JRF क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद JRF से रिलेटेड उसको कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहेगा, तो वो उसका एक टारगेट पूरा होने के बाद अब JRF से रिलेटेड कुछ नहीं करना, तो वो प्राप्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका चिकित्सा शून्य अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था होता है यानी जो कुछ उसको करना था वो कर चुका, यानी अब ये ओल्ड मैन वाला स्टोरी आएगा कि उसने जो करना था वो कर लिया, अब उसको कुछ नहीं करना, अपनी जगह पे रह के अपना बचा हुआ लाइफ सरवाइव करना, उनको भगवान का नाम लेना, ठीक है। ऐसे ही जब हमें विवेक ज्ञान मिल जाता है, यानी विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसको उस लेवल पे अब कुछ भी कार्य करने करना शेष नहीं रह जाता, तो आपका चिकित्सा शून्य कहलाता है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं वो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, ये दूसरे पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कर्म से रिलेटेड पढ़ा, 4 चीजें थी जो करना था अब नहीं करना है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया। नेक्स्ट है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, यानी चित्त से रिलेटेड है, ठीक है।
ओके ठीक है। तो चित्त भी आता है सबसे पहले, चित्त की कृतार्थता यानी जो भी उसका कर्तव्य था, चित्त का जो भी कर्तव्य था, चित्त की ऐसे ऐसी स्थिति, जो भी उसका कर्तव्य था वो सब समाप्त हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे प्रकृति का कार्य क्या था पुरुष के लिए, भोग और अपवर्ग करना, तो वो भी इसका कार्य पूरा हो गया। तो अपने वो कृतार्थ हो गए, मतलब अब अपने कर्तव्य से परिपूर्ण हो गए, अब उसको कुछ भी करना शेष नहीं है। अब दूसरा गुण बताते हैं, वो गुणनशील यानी गुण, तीन गुण बताए गए हैं ना, रजस तमस सत्व, तो अपने अपने गुणों में लीन हो गए, अब वापस चले गए, प्रति प्रसव हो गया उनका, तो अब कुछ भी कार्य उनके लिए शेष नहीं रह गया। तीसरा बताते हैं आत्मस्थिति, आत्मस्थिति यानी जहां से वो हिलेंगे नहीं, अडिग हो गए, स्थिर हो गए हैं, यानी पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत हो गया है, ठीक है, वो अपने स्वरूप में चला गया। तो उसका सूत्र है हमारा समाधिपाद से, सूत्र संख्या नंबर 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था नाम, यानी वो पुरुष जो है अपनी स्थिति में स्थित हो गया है। तो ये 7 प्रकार की भूमियां जो तैयार होती हैं, ये इस प्रकार से थी। अब आगे का विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भावना जी आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपने वाणी का विश्राम देती हूँ। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू पूजा जी, नमस्ते सभी को। अभी हम जो हमारा सेकंड अध्याय है साधनपाद, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। और कल जैसे पूजा जी ने आपको पढ़ाया था, क्रिया योग क्या होता है और चतुर्व्यूहवाद, उसके बारे में उन्होंने पढ़ाया, कलेशों के बारे में उन्होंने पढ़ाया। तो अब उससे आगे जो अष्टांग योग की बात सेकंड अध्याय में आती है, आज हम उसकी बात करेंगे। पूजा जी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अगर कभी स्क्रीन बीच में नहीं दिखे या फिर वॉइस डिस्टर्ब हो तो प्लीज आप मुझे बता देना। जी भावना जी, ठीक है। पूजा जी स्क्रीन प्रेजेंट है? जी भावना जी, यस। ओके जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सूत्र संख्या अभी हमने पढ़ी थी लास्ट, 26, आई थिंक 27 पढ़ी थी, 28 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी पूजा जी ने बताया कि जो दुखों का उपाय है वो क्या है, विवेक ज्ञान। तो नेक्स्ट सूत्र में हमें बताते हैं, योगा अंग अनुष्ठानाद शुद्धि छाये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, यानी जो विवेक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, अभी विवेक ज्ञान की बात हुई थी कि विवेक ख्याते विपलवा हानो पाए। हाँ, विवेक ज्ञान क्या होता है, पृथक पृथक ज्ञान हो जाना, और अविपलवा यानी परिपक्व अवस्था जब हो जाती है। पृथक पृथक ज्ञान क्या होगा कि प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हमें हो गया है, वो भी एक परिपक्व अवस्था में, तो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि आप उस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका हमें उपाय बताना होगा, तभी तो हम नेक्स्ट हम दुखों की निवृत्ति कर पाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट सूत्र में पढ़ते हैं, योगा अंग अनुष्ठानाद, यानी जो योग के अंग का अनुष्ठान करने से यानी उनका पालन करने से क्या हो जाएगा, अशुद्धियां क्षय हो जाएंगी। अशुद्धियां क्षय कैसे हो जाएंगी, अशुद्धियों का नाश हो जाएगा, ज्ञान दीप्ति ज्ञान का प्रकाश, यानी ज्ञान से हम समझते हैं सत्व गुण, सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी, और जो तम और रज जो गुण है वो हमारे क्षीण हो जाएंगे या तनु हो जाएंगे, ठीक है, वो अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। अविवेक ख्याति उसी क्या हो जाएगा, विवेक ख्याति होगी। तो अभी हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे कि वो कौन से योग के अंग है जिनका हमें अनुपालन करना है, जिनको हमें अपनाना है। सूत्र संख्या 29, इसमें बताए गए हैं योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी, ठीक है, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अभी हम इनको एक एक करके एक बार देख लेते हैं एक एक लाइन में। जैसे अगर हम बात करते हैं शुरू के 5, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार,
अगर हम इनको तुलनात्मक रूप से देखें तो ये होते हैं हमारे बहिरंग योग। ठीक है, बहिरंग योग कैसे? बहिरंग मतलब बहिरंग उसका होता है बाहर की तरफ, और जो अंग से मतलब यहाँ पे लिया जाता है वो होता है हिस्सा, यानी बाहर का हिस्सा। और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग होते हैं, यानी अंदर की तरफ का हिस्सा। ठीक है, बट अगर हम सांसारिक लोगों की बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है जो साधना में लीन है। ठीक है, अगर हम सांसारिक लोगों की बात करते हैं तो जो बहिरंग योग है ना, वो तो उनके लिए वो भी अंतरंग है क्योंकि वो उसको नहीं जानते, लेकिन जो साधना के पथ पर अग्रसर है उनके लिए बहिरंग योग है। बट अगर हम विभूतिपाद की बात करते हैं, वहां पे जाके अंतरंग जो योग का है उसको भी बहिरंग कह दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहीं की बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया, इस अध्याय में सिर्फ हम प्रत्याहार तक पढ़ेंगे क्योंकि धारणा और ध्यान समाधि की चर्चा हमें विभूतिपाद में मिलती है। आगे देखते हैं यम क्या होता है। यम वो व्रत है जो व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, यानी वो व्यक्ति के लिए तो होता ही है, लेकिन जो यम का जो पालन होता है वो समाज के लिए भी होता है। अर्थात जब दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग आ जाएगी, जो यम का पालन करेंगे वो सामाजिक रूप से भी वो उसको एक लाभ प्रदान करते हैं। नियम क्या होता है? नियम वो व्रत है जो व्यक्ति के स्वयं के लिए होता है, यानी अपने शरीर और मन के लिए उससे वो संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा आसन। आसन क्या होता है? आसन वह अभ्यास है जिससे हमारा शरीर होता है ना, उस वो दृढ़ एवं स्थिर बनता है। देखिए, अगर हमारा शरीर ही दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तो हम मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मन को नियंत्रण कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम शरीर से ही ठीक नहीं होंगे तो हमारा जो मन है वो भटकता रहेगा, चंचल रहेगा, हमारे शरीर की तरफ ही लगा रहेगा। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो आसन हमें शारीरिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? अगर हम जनरल उसमें देखें तो प्राणायाम क्या होता है? जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या होता है? हमारा जो प्राण तत्व क्या होता है? हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाता है, हमारे जीवन जो जीवन शक्ति प्रदान करता है वो होता है। और आयाम क्या होता है? क्षेत्र विशेष से लिया गया है आयाम, यानी विस्तार करना, प्राणों का विस्तार करना होता है। और श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर में प्राण को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार। प्रति क्या होता है? विपरीत। विपरीत मतलब वॉमिट करना, जैसे हम बोलते हैं उसको हम विपरीत बोल देते हैं, यानी जो खाना हमने खाया हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही किसी भी कारणवश, तो उसको हम वापस निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कुंजल क्रिया हम ले सकते हैं इसमें, वमन, पानी हमने पिया उसको वापस कर दिया, वो प्रति होता है। आहार होता है ग्रहण करना, यानी जो खाना हमने खाया वो आहार है, और उसको वापस कर देना, उसको विपरीत करना, वॉमिट करना, वो प्रति है। यानी यहाँ पे जो प्रति आहार लिया है वो इंद्रियों से लिया गया है। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या काम करती हैं? उनका खाना क्या है? विषय। वो विषयों को ग्रहण करती हैं। जब वो विषयों को ग्रहण करना बंद कर देंगी, यानी उगल देंगी उनको, उनको अंदर नहीं लेंगी, उनको ग्रहण नहीं करेंगी, तो वो प्रति आहार हो जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेंगे उसको, कि यम एवं नियम। ठीक है, इस उनका स्वरूप देखेंगे, यम नियम के प्रति वितर्क देखेंगे, वितर्क क्या है, वितर्क का उपाय कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, और यम नियम सिद्ध होने के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, यानी आसन प्राणायाम सब के लाभ भी देखेंगे, अब सिद्ध होगा तो क्या होगा। अभी नेक्स्ट सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं, 30। ठीक है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा होती है हिंसा का अभाव होना। ठीक है, जहां पर उस हिंसा का अभाव हो जाए, हिंसा की जहां कमी हो जाए, जहां पर हिंसा ना हो, कैसे ना हो? सिर्फ कर्म से नहीं, मन वचन और कर्म, किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कष्ट ना देना, वो अहिंसा है। सत्य क्या होता है? नेक्स्ट हमारा सत्य है। ठीक है, मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी छोटे छोटे लाइंस में। सत्य क्या होता है? जिस भी विषय का हमें जैसा ज्ञान हुआ, यानी हमने कोई भी चीज हमने जैसे देखी उसको वैसे ही बताना, एज इट इज उसको बता देना, उसमें कोई जोड़ तोड़ ना करना, वो सत्य होता है। अर्थात अगर हम, भाष्यकार कहते हैं कि अगर हम किसी को भ्रमित भी करते हैं ना अपनी वाणी से, एक तो होता है कि आपने कुछ चीज देखी आपने दूसरे को वैसा नहीं बताया, वो भी असत्य की श्रेणी में आएगा। बट अगर आप किसी को भ्रमित कर रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो अपनी वाणी के माध्यम से, तो वो भी असत्य की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय क्या होता है? चोरी ना करना।
चोरी कैसे नहीं करनी, ना तो मानसिक रूप से करनी है ना शारीरिक रूप से, ठीक है। किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सामान है आपको मन में भी और अपने कर्मों के आधार पर भी उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी, ठीक है, वो अस्तेय होता है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है अष्टविद मैथुन का त्याग करना। कैसे? कि सोचने से लेकर जो संभोग की क्रिया करने तक सकारात्मक रूप से, ठीक है, सकारात्मक रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से किसी विपरीत लिंग के रूप की भी चर्चा अगर हम करते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन होता है, ठीक है। अभी हम इनको आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा जब ये सूत्र आएगा इनका। अपरिग्रह क्या होता है? किसी वस्तु को एकत्र ना करने की भावना अपरिग्रह है। यानी जितना हमारा, जितने में काम चल रहा है ना, जितने में जीवन यापन हो रहा है, उतनी ही चीजें हमें रखनी है, उससे ज्यादा चीजों को हमें संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। अभी आपने समझ लिया यम क्या है? पांच यम है हमारे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी हम इनको देख लेते हैं, ठीक है, आगे। सूत्र संख्या 31, जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत। आपने सुना होगा कि यम को महाव्रत कहा जाता है, तो अभी आप पढ़ेंगे कि कब उनको महाव्रत कहेंगे हम, ठीक है। उसकी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कैसे। अभी इसमें चार चीजें बताई गई हैं, जाति, देश काल, ठीक है, जाति, देश काल और समय, चार चीज हो गई। अभी बोला है इसमें अवच्छिन्न, ठीक है, इनमें मतलब बाधा नहीं होनी चाहिए। कैसे? अभी मैं आपको समझा देती हूँ। सार्वभौम होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण का मतलब यहाँ पे लिया गया हर जगह, लिमिटलेस होना बिल्कुल। महाव्रत क्या होता है? इनको महाव्रत कहेंगे, कैसे कहेंगे अभी देख लेते हैं एक बार। जाति, जाति जो संस्कृत में जाति शब्द होता है वो सभी योनियों से होता है, यानी मनुष्य भी, जीव जंतु, पक्षी, सभी के लिए आ जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा सोच लिया कि आपको सिर्फ गाय को हानि नहीं पहुंचानी, गाय के लिए आपको यम का पालन करना है और आप डॉग्स को मारेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो आप यम का पालन नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है स्थान। अगर आपने सोचा कि केवल आप तीर्थ स्थान, यानी आपने केदारनाथ गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, किसी गुरुद्वारे में गए हैं, तो आप वहां पर जाकर सिर्फ यम का पालन करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना। काल, काल क्या होता है? कि आपने सोचा कि सिर्फ एकादशी का व्रत किया है या नवरात्रों के व्रत आप कोई कर रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं, तो आप आज यम का पालन करेंगे और नेक्स्ट डे से आप नहीं करेंगे, तो वो भी आपका महाव्रत नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट होता है समय। आचार परंपरा, यानी ट्रेडिशनल वे में अगर हम इसको देखते हैं कि आप अपने गुरु, ब्राह्मण या देवताओं के लिए आप हिंसा यानी यम का पालन करेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं, और औरों के लिए आप उसको तोड़ देंगे। तो अगर क्या होता है, जाति, देश, काल, समय, इन सबसे अनवच्छित मतलब बाधित ना हो, इन चारों के साथ आप कहीं पर भी ऐसा ना हो कि ऐसी कंडीशन हो कि आप इसको तोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है, इनसे बाधित नहीं होना है। आपको हर जगह ही यम का पालन करना है, तभी वो सार्वभौम महाव्रत होगा, यानी लिमिटलेस, संपूर्ण भूमि पर उसको महाव्रत कहा जाएगा। अभी हम आगे देख लेते हैं। पूजा जी आवाज क्लियर है? जी भावना जी। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट हम नियम देखते हैं। नियम क्या है? नियम का स्वरूप हम पहले देख लेते हैं। पांच तरह के इसमें नियम आते हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ठीक है। पहले देखते हैं शौच को। शौच से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, तो शुद्धि को कहते हैं। ये भी दो तरीके से होती है, एक तो बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि हम देख लेते हैं क्या। बाह्य शुद्धि से मतलब होते हैं कि आपने सिर्फ बाहर से मिट्टी पानी से, अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो ये पुराने रीति है, वहां पे शैम्पू और साबुन की बात नहीं होगी, वहां पे मिट्टी पानी की बात करते हैं। मिट्टी पानी से अंगों को साफ करना, ठीक है, ये होता है हमारी आउटर क्लींजिंग जिसको बोलते हैं। हमने वो साफ कर लिया तो इससे बाहर की शुद्धि हो गई। नेक्स्ट होता है आंतरिक शौच। उसमें क्या होता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे चित्त के दोष हैं, यानी राग, द्वेष, इनको अगर हम दूर करते हैं, इनको शांत करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, अगर आंतरिक शौच हमारे सिद्ध हो जाती है तो बाह्य शौच की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम महान व्यक्तित्व को सुने किसी को, उनका चिंतन करें, अच्छे लोगों से मिलें, तो क्या होगा, हमारी आंतरिक भी शुद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम तप। तप क्या होता है?
शॉर्ट सॉरी संतोष, संतोष देखते हैं, यानी जितने साधन हमारे पास हैं, जितनी चीजें हमारे पास हैं उनमें प्रसन्न रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन और हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाए चीजों के लिए, हमारे अगर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी उन साधन के लिए तो चंचलता मन में आएगी। अगर हमारे पास बाइक है तो बाइक ही हमें रखनी है, उसी में संतोष रखना है। अगर हम महत्वाकांक्षाएं करते हैं तो मन में चंचलता उत्पन्न होती है, इसलिए क्या करना है, हमें संतोष करना है जितनी हमारे पास है उसमें ही। नेक्स्ट आता है अब तप। तप क्या होता है, द्वंद्वों को सहना तप है, ठीक है। द्वंद्व क्या होते हैं हमारे, जो जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, साधना के पथ पर चलते हैं, तो उसमें रुकावटें आती हैं, है ना, तो उनको सहना ही तप है। रुकावटें भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे सर्दी गर्मी, ठीक है, और उसमें सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, कोई भी द्वंद आपके सामने आ रहे हैं उनको आप क्या करेंगे, उनका सामना करेंगे, उनसे आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं नियम को। वो आपको क्या करता है, आपको सुदृढ़ बनाता है, वो आपके अंदर जो आपने लक्ष्य तय किया है उन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। और कुछ ऐसा भी हम चीज कर सकते हैं उसके लिए कि हम छोटे छोटे मौन व्रत, जैसे कास्ट मौन। कास्ट मौन क्या होता है कि इशारे से भी बात ना करना। एक होता है आकार मौन। आकार मौन क्या होता है, हम उसमें इशारे से बात कर सकते हैं, यानी हम छोटे छोटे तप के माध्यम से अपने जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने के लिए हम उस मार्ग में दृढ़ हो जाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें वो व्रत भी आ सकते हैं, कुछ व्रत हैं जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायन व्रत, तो ऐसे व्रत, ये थोड़े व्रत थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये व्रत का भी पालन इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि इसमें आप दृढ़ हो जाएंगे अपने लक्ष्य के लिए। आगे हम बात करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय क्या होता है, स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। उसमें मुक्ति मार्ग के ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, आत्म अवलोकन करना, या जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना, उनका जीवन परिचय पढ़ना। तो उससे क्या होगा, आपका जो आप अपने अंदर के विकारों को देख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है, और आप अपने जो आगे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे स्वाध्याय से। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्राणिधान हम भक्ति विशेष के लिए लेते हैं, जिसमें सरेंडर टू गॉड, उसमें हम नवदा भक्ति ले सकते हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ईश्वर प्रणिधान से अगर हम एक भी चीज को फॉलो कर ले नवदा भक्ति में, तब भी क्या होता है, हम समाधि की भावना को प्राप्त कर सकते हैं, या समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट सूत्र इम्पोर्टेंट है काफी, हाँ, 33 सूत्र संख्या। वैसे इसको बाद में पढ़ाना चाहिए, 34 अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन सिक्वेंस में हम चलते हैं। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। अब क्या होता है, देखिए आप यम नियम का पालन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं एकदम कंटिन्यू आप पालन उसका कर पाएंगे, आपने सोचा है तो बाधाएं जरूर आएंगी, तो वही ये वितर्क है। वितर्क क्या होता है, तर्क के विपरीत, यानी आपको संतोष है तो असंतोष की भावना मन में आना, अगर आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो असत्य की भावना मन में आनी। वितर्क होता है तर्क के विपरीत, यम और नियम के विरोधी जो होते हैं, अहिंसा का यानी हिंसा के भाव। तो जब ऐसा मन में आए, ठीक है, ऐसी भावना मन में आती है वितर्क की, तो उसको बांध देना है। कैसे बांध देना है, प्रतिपक्ष से, प्रतिपक्ष की भावना से। तो प्रतिपक्ष क्या होता है, उसकी विपरीत वाली चीजों को सोचकर। अब उसके विपरीत क्या होगा, अब मेरे मन में आया कि नहीं मुझे असत्य का पालन कर लेना चाहिए, वो ज्यादा शॉर्टकट वे है, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे उसके विपरीत सोचना है कि अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारे लिए कितना अच्छा होता है। हम उन चीजों को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, उन चीजों को सोचें, तब क्या होगा कि जो वितर्क है वो हमारे चित्त से हटना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, जब ऐसे यम नियम को बाधा डालने के लिए वितर्क की भावना आती है तो हमें उसका प्रतिपक्ष, उसका विपरीत सोचना है। अब इसको आप समझ जाएंगे 34 सूत्र संख्या में, इसको ध्यान से सुनेंगे सभी, ये काफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वितर्क हिंसा दया कृतकारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्व का मृदु मध्य आदि मात्रा, दुखा ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क, वितर्क मैंने अभी बताया आपको, हिंसा आदि जो होते हैं वो वितर्क होते हैं, यानी यम नियम के विपरीत। अब देखिए इसमें बताया जाता है कि हिंसा की भी क्या होते हैं, तीन कैटेगरी होती है, तीन तरीके से हिंसा की जा सकती है, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं, पहली है कृत। कृत क्या होती है, स्वयं की हुई, यानी हमने खुद से कोई हिंसा की। दूसरी होती है कारित। कारित क्या होती है, किसी के द्वारा हमने हिंसा करवाई है,
थर्ड होती है अनुमोदित, ठीक है। अनुमोदित क्या होती है कि कोई हिंसा कर रहा है, हमने ना तो खुद करी ना करवाई, लेकिन कोई कर रहा है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो थर्ड तरीके की हिंसा होती है। कृत यानी स्वयं की हुई, कारित यानी किसी से करवाई हुई, अनुमोदित यानी किसी को बढ़ावा देना। अब इसकी भी तीन कैटेगरी होती है, जैसे हमने पढ़ी थी ना साधक की तीन कैटेगरी पढ़ी थी, सूत्र संख्या 22 फर्स्ट अध्याय, मृदु मध्य आदि मातृत्व तत्व अपि विशेष। वैसे ही हिंसा की भी तीन कैटेगरी है, यानी जो हिंसा ये हो रही है तीन प्रकार की, ये किस आवेग से की जा सकती है। तो फर्स्ट है इसकी मृदु, फिर है मध्य, फिर है अधिमात्रा। यानी मृदु क्या होगी, हल्के आवेग, किसी ने आपसे कुछ कहा आपने सेम वैसे ही रिप्लाई कर दिया। मध्य क्या होती है कि आपसे किसी ने एक बात की, आपने उसका चार बात में रिप्लाई कर दिया। एक होती है अधिमात्रा, अधिमात्रा क्या होती है कि किसी ने आपसे एक बात कही तीव्र वेग में आपने उसको मार दिया, वो होती है अधिमात्रा। एकदम से उसका क्विक कितना रिएक्शन आपने दिया, वो हाई लेवल यानी तीव्र आवेग वाली होती है। अब देखते हैं कि इनकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है हिंसा की, उसकी भी तीन कैटेगरी है, लोभ क्रोध और मोह। लोभ क्या, लालच, आपको किसी चीज को पाने की इच्छा है, ठीक है, तो वो भी एक हिंसा की वजह हो सकती है। क्रोध, आपसे किसी ने कुछ कहा आपको उस पर गुस्सा आया, तो वो भी हिंसा का एक कारण हो सकता है। मोह, मोह क्या होता है, अंधविश्वास के कारण। जैसे कि अगर हम भगवद गीता की बात लेते हैं कि मैंने कहा आपसे, आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी, मैंने आपको बोल दिया कि भगवद गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करना जरूरी नहीं है, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपके कर्म संस्कार नहीं बनेंगे और फिर आगे आपको दुख भी नहीं मिलेगा। आपने गीता पढ़ी नहीं, आपने कहा हाँ ठीक है भावना जी आप बोल रहे हो तो ऐसा ही होगा, और आपने सेम ऐसे ही बात मान ली, और लेकिन आपके खुद के मन में विरोधाभास है, आपको खुद नहीं पता कि वो सही है या गलत है, आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, तो वो होता है अंधविश्वास। तो इस कारण भी हिंसा होती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो हिंसा होती है, अब इसके आवेग की मात्रा इसमें नहीं दी हुई है, वो भी 9 तरीके की होती है। अगर हम कैलकुलेट करें इन सबको तो एक हिंसा 81 प्रकार से हो सकती है। तो हमें यम नियम का पालन करके उस 81 प्रकार की हिंसा का त्याग करना है, ठीक है। और ये जो हिंसा होती है, यम नियम का पालन ना करने वाला होता है, उससे क्या होता है कि अनंत दुखों को देने वाला है। इसलिए जब वितर्क की भावना मन में आए तो प्रतिपक्ष भाव मन में लेकर आने हैं, यानी उसके विपरीत। कि अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने कितनी कठिनाई से सांसारिक विषयों का त्याग किया है, अगर हम पुनः उनको ग्रहण करते हैं, पुनः उनको वापस देते हैं, तो कितना निकृष्ट और घृणित होगा वो हमारे लिए, ऐसे मन में भाव लेकर आने हैं। तो ये आपके जो यम नियम का पालन करने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट है यम। अब हम फल देखते हैं, अभी हमने बात कर ली कि वो यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि उनको हम फॉलो करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, फल क्या मिलेंगे उसके। फॉलो भी करना मीन्स उनका सिद्ध होना है। यहाँ पे एक दिन फॉलो किया, दो दिन नहीं किया, वैसी बात नहीं है। सिद्ध जब हो जाते हैं, कंटिन्यूटी में वो फॉलो किए जाते हैं, उनका अनुपालन किया जाता है। फर्स्ट है हमारा यम, है सबसे पहले यम का फल, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधो वैर त्यागा। यानी अहिंसा के सिद्ध हो जाने पर तत् सन्निधो, आपके सानिध्य में जो भी रहेगा वैर त्याग हो जाएगा। जैसे आपके अंदर अगर अहिंसा नहीं है, आपने अहिंसा को सिद्ध कर लिया, तो आपके आसपास जो जीव रहेंगे, ठीक है, जो उनका प्राकृत रूप से वैर त्याग हो जाएगा। यानी आपका ओरा ऐसा क्रिएट होगा कि कोई भी अन्य जीव भी आपके पास भयभीत नहीं होगा, वो भी आपके लिए वैर त्याग कर देगा, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इससे आपको ये सिद्धि होती है, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, अन्य और भी जो जीव है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट होता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य के सिद्ध होने से क्या होगा, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रिया, यानी अभी तक क्या था, जो साधक था वो जो बोलता था वो सत्य बोलता था, ठीक है। सत्य का मैंने बताया, जैसा देखा वैसा आपने बताया, बट जब सत्य सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, जो आप कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, पहले आप सत्य बोलते थे, बट अब जो भी आपके मुख से निकलेगा वो हर एक बात सत्य हो जाएगी, सत्य के सिद्ध हो जाने पर। नेक्स्ट देखते हैं, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। अस्ते मतलब चोरी ना करना, अस्ते की प्रतिष्ठा होने पर, सिद्ध होने पर, सर्व रत्नोपस्थानम, सभी तरह के रत्न
यानी जो हीरा जवाहरात मणि जो भी हैं वो स्वतः ही आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अर्थात कि जैसे आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, वो तप करते हैं, उनको अपने तप के माध्यम से यानी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कहीं भी कोई खजाना होता है उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो उसमें उनकी उनको पाने की उनकी लालसा नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए उनको वो चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इस साधक को इससे भी दूर रहना है, क्योंकि ये माया, ये एक तरह की माया है जो हमें बांधती है और ये साधना के पथ पर ये बाधा पहुंचाती है, ठीक है। तो जब हम ये कर लेंगे सिद्ध, तो हमारे सामने सभी रत्न अपने आप ही उपस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यालाभः। ब्रह्मचर्य के सिद्ध हो जाने पर वीर्य क्या है, हमारे व्यक्ति का शौर्य, शक्ति और सामर्थ्य है। तो जब ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा तो उस साधक को किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही अगर बिना युद्ध के भी किसी को पराजित कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, एक बार उन्होंने एक राजा का पहलवान था उसको उठाकर फेंक दिया था, क्यों, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और उनका जो ब्रह्मचर्य था वो प्रतिष्ठित था, उन्होंने एक पहलवान को भी हरा दिया। तो इस तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह, जब हम चीजों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया सिर्फ एक कर्म की बात नहीं है, मन वचन कर्म सभी तरीके से बात हो रही है यहाँ पे यम नियम की। तो अपरिग्रह, आपको चीजों को इकट्ठा तो नहीं करना, साथ में संस्कार भी इकट्ठे नहीं करने, ठीक है। यानी बताया था ना पूजा जी ने भी बनाया था, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है, यानी जो हमारे कर्म संस्कार बनते हैं उनके आधार पर ही हमारा जो जाति आयु भोग हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बात है आपको संस्कार भी इकट्ठे नहीं करने, यानी या तो आप ईश्वर को समर्पित कर दें या निष्काम कर्म की जो बात होती है वो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या होगा उससे, जन्म कथनता संबोधः, यानी जो वो है पहले जन्म के जो भी हमारे कैसे जन्म हुआ, कैसे वो हमने त्याग किया, ठीक है, उस जन्म का कैसे अंत हुआ, वो हमें ज्ञान होने लगेगा। नेक्स्ट की सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं नियम की तरफ, ठीक है। नियम का फर्स्ट फल क्या है, सोचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग। सोच मैंने बताया था आपको कि प्यूरिफिकेशन होता है। अब यह है इसमें स्वंग जुगुप्सा, जुगुप्सा का वर्ड अगर हम ले मीनिंग तो घृणा से होता है, ठीक है। स्व अंग जुगुप्सा, यानी स्व मतलब अपने अंगों से, ठीक है, अपने शरीर से, स्वयं के शरीर से जुगुप्सा हो जाएगी, यानी मोह समाप्त हो जाएगा। कैसे होता है कि हम बाहर से शरीर को धोते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं। अब क्या हुआ कि हमें जब ज्ञान होने लगा तो हमें पता चला कि जो हमारा पूरा शरीर है वो मल से ही भरा हुआ है। तो जब हमें ऐसा ज्ञान होने लगेगा तो हमें अपने शरीर से मोह समाप्त होने लगेगा, ये इसका पहला फल है। दूसरा फल क्या होता है, परे संसर्ग। हाँ, यानी अभी क्या हो रहा था, लास्ट में हम बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य की, तो पहले क्या मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, थोड़ा सा स्लो चल सकते हैं? यस श्योर, ठीक है, ये वाला आराम से बताऊं थोड़ा फिर से? यस यस मैम, प्लीज मैम। ओके, ठीक है। शोचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्गः। शोच का मतलब प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग। स्व अंग जुगुप्सा, यानी जो स्वयं के अंग है, यानी स्वयं का जो शरीर है, ठीक है। नियम की बात मैंने पहले ही बताई थी कि वो स्वयं के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यम की बात की थी वो समाज के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्व अंग जुगुप्सा कि हमें पहले हमें क्या था, हमें पता था कि हमें बाहर से शरीर को क्लीन करना है, हमें नहाना है, शैम्पू लगाना है, बाहर से सुंदर दिखना है। बट जब हमें ज्ञान होने लगा, क्या ज्ञान हुआ कि हमारा शरीर तो मल से भरा हुआ है, तो क्या हुआ फिर कि हमें अपने ही शरीर से मोह समाप्त होने लगा, ठीक है। तो ये हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ कि खुद के शरीर से ही मोह समाप्त हो जाना, उसमें हम शरीर के मोह में नहीं पड़े रहेंगे। फिर आता है दूसरा लाभ, परेर संसर्ग। उससे क्या होता है, अभी पहले क्या ब्रह्मचर्य की बात की, तो ब्रह्मचर्य के पालन से क्या था कि बलपूर्वक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। अभी जब लेकिन हमें पता चला कि हमारा शरीर खुद ही मल से भरा हुआ है, तो इसके ज्ञान से क्या होता है कि जो साधक होता है वो स्वतः ही दूसरे के शरीर से संपर्क बनाने की आकांक्षा उसकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। वो इंद्रियों को बलपूर्वक नहीं रोकने की आवश्यकता नहीं है उसको, वो स्वतः ही उसकी ऐसी जो आकांक्षा होगी कि वो दूसरे के शरीर से संपर्क ना बनाए, तो ऐसे इसके लाभ प्राप्त होते हैं। ये हो गए हमारे
बाहरी लाभ की बात हो गई, ठीक है। अभी आंतरिक लाभ है शौच के। नेक्स्ट सूत्र में सत्व सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग तत्वानी च, ठीक है। ये आ गया हमारा 41 सूत्र संख्या। सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि से हम ले सकते हैं यहाँ पे, अर्थात सत्व क्या होता है, ज्ञान को देने वाला होता है। सत्व क्या होता है, सुख को देता है और ये मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो सोच का जब हम पालन करेंगे तो सत्व की शुद्धि होगी, उसकी वृद्धि होगी। ये आंतरिक, इसके भीतरी लाभ बताए हुए हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सोमनस्य, ठीक है। सोमनस्य मतलब मन की सौम्यता हो जाना, सरलता प्राप्त हो जाती है और ये समाज में भी समानता का भाव देता है और प्रसन्नता देता है। मन हमारा सरल हो जाएगा, सौम्यता उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट होता है एकाग्र। एकाग्र तो आप समझते हैं कि अगर जब तक चित्र हमारा एकाग्र नहीं है तो हम साधना के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एकाग्र चित्त क्या होता है, योग में ज्यादा सफलता देता है। तो इसलिए एकाग्रता तो हर जगह ही, हर फील्ड में जरूरी है। अगर आप अभी मैं पढ़ा रही हूँ आप एकाग्र होकर हम नहीं सुनते हैं तो एकदम से स्किप हो जाता है कि क्या पढ़ा हमने। तो इसलिए एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर भी विजय, यानी इंद्रियां भी हमारे, इंद्रियों पर जय का मतलब होता है, विजय का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाना, संयम हो जाना। नेक्स्ट है आत्मदर्शन, यानी हम खुद को ऑब्जर्व कर दर्शन की योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। कैसे, कि जब चित्त की गंदगी हट गई, राग द्वेष हट गए, तो शरीर में आंतरिक शुद्धि आ गई। जब आंतरिक शुद्धि आ जाएगी तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये इसके आंतरिक और बाहरी लाभ हो गए। नेक्स्ट है 52, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, यानी संतोष की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें संतोष है तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा। बार बार हमें कोई ना कोई आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हमारे शरीर में उठती रहेंगी। जैसे संतोष है परमम सुखम, संतोष को उत्तम सुख माना है। तो नियम का जब हम पालन करते हैं, संतोष का पालन करते हैं, तो क्या होगा, हमें अनुत्तम उत्तम सुख की हमें प्राप्ति हो जाएगी, सर्वोत्तम सुख हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट होता है 43 सूत्र संख्या, काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि, सॉरी काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि छाय तपस्या। काय और इंद्रिया, ठीक है, उनकी शुद्धि हो जाएगी तप से। कैसे, शरीर की शुद्धि कैसे होगी, तप अगर हम करेंगे तो कमजोर है जो शरीर, विकार है जिस शरीर में, यानी रोग, विकार से हम ले सकते हैं किसी भी तरीके के रोग हैं, तो वो दूर होंगे। और इंद्रियों से क्या होगा, यानी दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी, इंद्रियों की चंचलता समाप्त होगी और एक दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। कैसी दिव्य शक्ति, कि हम दूर भी कोई चीज हमें सुननी है तो हम उसको सुन सकते हैं, और जैसे कुछ हमें देखना है, हमें दूर बैठे ही हम उसको देख सकते हैं, हमें सूक्ष्म चीजें भी हमें दिखने लगेंगी। तो ये तप का लाभ होगा। शरीर और इंद्रियां दोनों की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। 44 सूत्र संख्या है। स्वाध्याय से क्या होगा, इष्ट देवता संप्रयोग, यानी ईष्ट और आत्मा जो है देवताओं के संपर्क में आते हैं। कैसे, स्वाध्याय होता है यानी जब हम योग के मार्ग पे चल रहे होते हैं तो हमें मार्गदर्शक चाहिए होता है कि हम कैसे मार्ग पे आगे बढ़े, कहाँ जाएं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई गुरु को ढूंढते हैं या कोई जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, उनका स्वाध्याय और चिंतन करते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि वो ईस्ट और देवताओं का हमें संपर्क प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हम मीरा जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान को चिंतन करती रहती थी तो उन्हें उनके दर्शन हुए, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान आते, हाँ, यानी जो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, यानी जो मैंने बताया था आपको नवदा भक्ति की बात बताई थी, उसमें हम किसी एक को भी लेकर चलते हैं या ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडर कर देते हैं घोड़ को, तो उससे क्या होता है, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं और क्या हो जाता है, एक जो समाधि की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। ये हमारे यम नियम हुए। अभी हम बढ़ते हैं आसन की ओर। 46 सूत्र संख्या, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर क्या होता है और सुखम आसनम, ठीक है। आसन का मतलब नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक तो होता है स्थिति, एक होता है जहां पर हम बैठने हैं, बैठने का कोई साधन भी आसन हो सकता है, बट यहाँ पे आसन की बात जो की गई है
वो शारीरिक स्थिति की बात है, ठीक है, शरीर की जो स्थिति होगी उसकी बात है। स्थिर कैसे होना है, अचल होना, अचल मतलब कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं होगी, और उसमें भी क्या होगा, सुख, यानी सुख की अनुभूति भी हो रही हो, ऐसा नहीं है आप बैठे तो स्थिर हैं बट हो आपको कष्ट रहा है, तो वो स्थिर सुख नहीं होगा, ठीक है। यानी स्थिर सुखम, सुख स्थिर में जब बैठे हो तो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, वो स्थिर सुखम आसनम है। और ये आप जानते भी हैं, अगर हम पतंजलि योग दर्शन के अनुसार आसन की परिभाषा पूछी जाती है तो यहाँ पे यही परिभाषा है, किसी आसन का नाम नहीं दिया, स्थिर होना सुख पूर्वक वही आसन है। नेक्स्ट, वैसे आप सभी तो जानते ही हैं ये सब। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, 47। रत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, ये है आसन की सिद्धि कैसे होगी। अब हमें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें, आसन की सिद्धि की बात इसमें कही गई है 47 में। प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, प्रत्न शैथिल्य क्या होता है, प्रत्न की स्थिरता आ जाना, ठीक है, कैसे, जो आप कोशिश कर रहे हो ना शुरू में आसन में बैठने की, उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए। अब आप प्रत्न करने की कोशिश ना करें, आप बैठ गए हैं तो फिर आपको बार बार आपको उसमें हिलना ना पड़े, कोई गतिविधि ना हो, वो शैथिल्य हो जाना चाहिए। अनंत समापत्ति भ्याम, अनंत का मतलब होता है शेषनाग, समापत्ति होती है समाधि। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लेंगे कि जैसे शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, वैसे गुण आपको अपने अंदर लेकर आने हैं, वैसी स्थिरता लेकर आनी है। जब वैसी स्थिरता आपके अंदर आएगी तो वही आसन की सिद्धि पतंजलि जी के अनुसार है, ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, अब आसन की सिद्धि हो जाने पर क्या होगा, अब इसका फल है, ठीक है, ये फल वाला सूत्र है, आसन का फल, ततो द्वंदान भी घातः, यानी आसन, ततो का मतलब आसन की सिद्धि हो जाने पर, द्वंद अभिघात यानी जो द्वंद है, दिन रात सर्दी गर्मी लाभ हानि जो भी बाधाएं आती हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, अभिघात हो जाएगा, वो फिर क्या होगा, वो साधक वो उनसे ना विचलित नहीं होगा, वो किसी भी, वो उसकी बाधा नहीं डाल सकते, वो किसी भी अवस्था में अपने अभ्यास को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राणायाम, अब प्राणायाम की बात होती है 49 सूत्र संख्या से लेकर 53 तक, ध्यान से सुनेंगे सभी प्राणायाम को। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, तस्मिन क्या होता है, अभी हमने क्या किया, आसन, आसन की सिद्धि, ठीक है, श्वास प्रश्वास, श्वास क्या होता है आपका, जब आप श्वास से आप समझते हैं बाहर की वायु को खींचना, ठीक है, इनहेल करना, प्रश्वास क्या होता है, एक्सहेल करना। योर गति विच्छेद, यानी जो श्वास प्रश्वास तो आप डेली कर रहे होते हैं, हर टाइम हम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी गति में बाधा डालना। अब हमने श्वास लिया उसको रोक दिया, प्रश्वास किया उसको रोक दिया, उस गति में हमने बाधा डाल दी, वो होता है प्राणायाम, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, बहाय अभ्यंतर समवृति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बहाय, इसमें तीन, वैसे चार तरीके के प्राणायाम पतंजलि जी ने बताए हैं, सूत्र संख्या 50 में सिर्फ तीन प्राणायाम का वर्णन मिलता है, और जब ये तीन प्राणायाम हमारे सिद्ध हो जाएंगे तभी हम फोर्थ प्राणायाम कर सकते हैं, तो फोर्थ हमारा नेक्स्ट सूत्र में आएगा। बहाय अभ्यंतर, बहाय हम पहले देख लेते हैं, बहाय वृत्ति, बहाय वृत्ति क्या होता है, श्वास बाहर छोड़ते हैं, यानी रेचक करना, एक्सहेल करना, बहाय का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बाहर से, तो एक्सहेल करते हैं बाहर, तो हम आभ्यंतर वृत्ति, आभ्यंतर अंदर, इसमें अंदर की तरफ खींचना, यानी आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, इनहेल कर रहे हो। स्तंभ वृत्ति, स्तंभ से हम लेते हैं कोई भी स्तंभ होता है, ठीक है, यानी स्थिर होना, रोकना उसको, रोका हुआ, तो जैसे आपने श्वास या तो बाहर किया या अंदर लिया, ठीक है, उसको वहीं पर रोक देना, अंदर है तो अंदर रोकना, बाहर किया है तो बाहर रोक देना, वो स्तंभ वृत्ति होता है, ठीक है। अब ये दीर्घ है, सूक्ष्म है, आगे हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो हम उसको कैसे जान पाएंगे, तो तीन इसकी चीजें बताई हैं, देश काल और संख्या। देश यानी कहाँ पे अपने प्राण को ठहराया हुआ है, ठीक है, लोकेशन से इसको लेते हैं। काल क्या होता है, कितने टाइम तक आप इसको कर रहे हैं, और संख्या होती है कितनी मात्रा, ठीक है, जब हम इसको देखते जाएंगे कितना टाइम हम होल्ड कर पा रहे हैं, कहाँ हमने उसको ठहराया हुआ है, कितनी हम मात्रा उसकी कर पा रहे हैं, तो डे पर डे क्या होगा, वो दीर्घ और सूक्ष्म, यानी लंबा और हल्का। पहले क्या होता है, हम जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं स्टार्टिंग में, जब बिगनर हम प्रैक्टिसनर होते हैं, पर धीरे धीरे हमारी मात्रा भी बढ़ती जाती है, काउंटिंग बढ़ती जाएंगी, और श्वास हमारा दीर्घ होता जाएगा और सूक्ष्म भी होता जाएगा,
ओके अब नेक्स्ट सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हो गया हमारा बहाय अभियंतर विषया चेपी चतुर्थहा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ वाला इसमें है विषयाक्षेपी। विषयाक्षेपी का मतलब क्या होता है? विषय का अतिक्रमण करना। अतिक्रमण क्या होता है? यानी क्रॉस कर देना। कैसे मैं बताती हूँ आपको। विषय क्या है अभी हमारे? बहाय और अभ्यंतर, ठीक है। बहाय वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति यानी इनहेल और एक्सहेल। अतिक्रमण क्या होता है? यानी उस लेवल से ऊपर उठ जाना। जैसे कि आप अभी बहाय और अभ्यंतर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, वो आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। बहाय अभ्यंतर और आप स्तंभ वृत्ति उसको रोक रहे हैं, वो आपका सिद्ध हो गया। उसके बाद क्या होगा? जब विषयाक्षेपी की स्थिति आएगी तो ना तो आपको इनहेल की नीड होगी ना एक्सहेल की। उस लेवल से आप ऊपर उठ जाएंगे प्रैक्टिस से। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं केवली प्राणायाम। तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, तो वो केवली प्राणायाम होगा, ठीक है। मैंने अतिक्रमण विषयाक्षेपी आप समझोगे ना, विषय का अतिक्रमण यानी उस लेवल से ऊपर उठ जाना उस विषय से, तो वो हमारा चतुर्थ प्राणायाम होगा, जिसको केवली के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका फल बताते हैं। तथा शीयते प्रकाशा आवरणम, जब आप प्राणायाम करेंगे, दो इसके सूत्र में फल बताया गया है। तथा शीयते प्रकाश आवरणम, तथा यानी प्राणायाम के अभ्यास से क्या हो जाएगा? शीयते छिन्न हो जाएगा प्रकाश का आवरण। प्रकाश यानी जो सत्व आपके अंदर पहले से ही है, ज्ञान आपके अंदर पहले से ही है, लेकिन वो ढका हुआ है। तो जब आप प्राण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से वो आवरण हटने लगेगा। जैसे कि पानी है तालाब का, उस पे काई आ गई, लेकिन पानी तो वहां ऑलरेडी है। अभी जब हम काई हटाएंगे तो वो पानी वहां से साफ वो नजर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सत्व हमारे अंदर है, बस हमें वो रज और तम गुण जो है उनको वहां से हटाना है, तो सत्व अपने आप वो उदय हो जाएगा, वो ज्ञान आपका उदित होने लगेगा। तो ये उसका लाभ है, उसका फल है। एक और आ जाएगा धारणा सूच है योग्यता मनुष्य, धारण करने की शक्ति यानी धारणा। धारणा क्या होता है? किसी एक विषय को धारण करना। विषय क्या होते हैं? हमारा मन तो क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग चीजों को ग्रहण करता है। विषय यानी इंद्रियां अपने अकॉर्डिंग चीजों को विषय के संपर्क में आती हैं, कभी किसी विषय की और कभी किसी विषय की और। लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारा मन क्या होगा? वो स्वच्छ हो जाएगा, चित्त हमारा शांत हो जाएगा। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हम किसी भी विषय को धारण कर सकते हैं, तो धारणा की शक्ति आ जाएगी। ये दूसरा फल है। दो सूत्र बचे हैं बस, अभी हम इसको कर लेते हैं। प्रत्याहार आ गया हमारा। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। स्वम विषय संप्रयोगे यानी अभी क्या है कि जब प्रतिहार, प्रतिहार का मैंने बताया, जो विषय है वो अपने, जो इंद्रियां हैं अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, लेकिन अभी क्या होगा, वो इंद्रियों जो है विषय को ग्रहण नहीं करेंगी, वो चित्त के स्वरूप जैसी हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? जब चित्त क्या होता है हमारा, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, लेकिन अगर वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, अगर प्रकृति से उत्पन्न है तो त्रिगुण उसमें भी होंगे, लेकिन जो प्रकृति के जितने भी तत्व है ना, सबसे ज्यादा जो सत्व होता है वो चित्त में होता है। लेकिन उस चित्त में पुराने जो हमारे संस्कार पड़े रहते हैं और जो इंद्रियां होती हैं विषयों को ग्रहण करती हैं, उसकी वजह से उसमें चंचलता, उसमें वृत्तियां आने लगती हैं। लेकिन जब इंद्रियां हमारी विषयों को ग्रहण करना बंद कर देंगी तो क्या हो जाएगा, चित्त अपने स्वरूप में आ जाएगा और इंद्रियां भी उसके अकॉर्डिंग उसको देखने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चित्त के स्वरूप के अकॉर्डिंग वो अब चीजों को ग्रहण करेंगी। इसका फल क्या होगा? तथा परमावश्यक इंद्रियाणाम, उसके बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो सबसे श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियों के लिए उनका वश करना, वशीकरण हो जाना उनका। तो प्रत्याहार के माध्यम से वो सबसे श्रेष्ठ जो चीज है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? एक एग्जाम्पल से, लास्ट एग्जाम्पल से मैं इसको समझा देती हूँ कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रथ होता है तो जो इंद्रियां है ना वो रथ के घोड़े की तरह मानी गई हैं। तो जो आत्मरूपी जो जीव है ना वो उस रथ में बैठा हुआ है, और जो इंद्रियां हैं उसकी जो लगाम है वो मन है, और वो किसके हाथ में है? वो बुद्धि के हाथ में है। जब मन बुद्धि के हाथ से छूट जाता है तो क्या होता है, वो अपने विषयों में लग जाता है। लेकिन जब बुद्धि उस पर नियंत्रण कर लेती है तो वो उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसे बुद्धि ले जाना चाहेगी।
तो यानी ऐसा संयम इंद्रियों पे आ जाता है, ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रत्याहार की अवस्था। तो उसमें तो वो जो बुद्धि है वो अपने अनुरूप, यानी जो चित्त मैंने बताया मन बुद्धि अहंकार, तो उसके अकॉर्डिंग इंद्रियां देखने लगती हैं, और जो उसपे जब देखती है वो, तो पुरुष की छाया उसे वहां मिलती है, तो वो पुरुष के और निकट आ जाती है, ये इसका फल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने आज साधन पादी को कवर किया है। थैंक यू सो मच, बहुत सरल थे और आपके जो शब्दों का